पकड़ाई खेल लेते। कौन था तेरा दोस्त? जमीन देख रहा है भाई, देती छोले आएंगे। ओए छोले आएंगे इधर खा लो फिर काले छोले। सही है ही सर, छोले नहीं होता वो कॉफी होती कॉफी। आइलैंड पर आ गए, यहां पे मस्त है ना, नारियल का पेड़ है। क्या ओ बेटे, ओ ये पेड़ देख रहा है कुछ ज्यादा ही हरा नहीं दिख रहा है? आम का मेरे को भी लग रहा है। ये जगह कैसी है? खाली है भाई, इसमें भी पानी था। ओए ये क्या पका, तभी तो इतना चहचह कर रहे हैं। बक उस साइड में कुछ बढ़िया से पेड़ वेड़ गए रहेंगे उधर में, वो जंगल है अभी नहीं, उधर में पेड़ है। देखिए इधर से लोग जाते हैं गाय वगैरह गोबर पट लोग भी। इमली, ओ इमली ठीक है, इमली है और क्या, नहीं बताओ क्या है ये? इमली है, इमली इधर बढ़िया पार्क है, ये तो झील वाला पार्क हो गया भाई। कहाँ है मोर? ओह माय गॉड, कहाँ दिख गया? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो पेड़ वेड़ पे कुछ बना रखा है। ये हम पार्क में आ गए क्या? अच्छा वो रहा ना मोर। हाँ भाई साहब, पार्क में आ गए क्या? How is this possible? तेरे सारे इंग्लिश एक बार में बोल दी। हाँ। अब इसके आगे क्या बोलेगा? Oh my God. Oh my God, चल। There is something. Something. Oh my God. मोड़ बैठा उस पे, मैं मोड़ गया था। What is more? इसमें? Yes. देख रहा है गहरा कितना ही है। अच्छा। My God. पत्थर आगे मिलेगा नहीं ना? ऐसे ही पत्थर फेंकूंगा। उई लगी। वो चप्पल उठाई, चप्पल मारेंगे। पता है बारिश में ही भरेगा, और अब बारिश का हो गया ना मौसम। गड्ढे को इंग्लिश में कहते हैं होल। होल तो वो तो होता है, होल तो छेद होता है, गड्ढा अलग होता है। गड्ढा पिट्स, पिट ये क्या होता है? पिट होता है यार, ये तो बड़ा है ना। बहुत गहरा ये, गहरा ये, गहरा है आवाज। आवाज से समझ आती है गहरा है। और देख रहा है यहाँ तक भरा रहेगा तो बहुत ज्यादा ही गहरा होगा, समझ ले। तो यही इसे दीवार के उस पार क्या है? चढ़ियो में किसान पकड़ियो, पहले चढ़ जाता हूँ भाई। कैसे चढ़ूंगा भाई? अगर हट जा, एक क्लिक में चढ़ता हूँ मैं। फोन ले लो ना, तू भी आएगा? ये लो मेरे को दो लो। इधर दे, ऊपर दे, ऊपर कैमरे से दिया यार। आजा हाथ दे, हाथ दे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, छोड़ छोड़ छोड़, ऐसे देखो। ठीक है, आएगा? नीम का तो बढ़िया पेड़ है ये, गड्ढा ही तो है ना। गड्ढा नहीं है बे, इधर देख क्या है, ये किसका पंख है देखो? इसका चील है। एक टाइम पे भी चील का पंख हम ढूंढ रहे थे जब अपने को छिड़ी बनानी थी, याद है? अबे अमन भी यहाँ से आ जाइए, देख यहाँ पे एक शेर फुट टाइप का कुछ। आ ना यार, इतना नहीं चढ़ पा रहा है,
क्या ही फायदा तेरा जिम करने का। मेरी चप्पल पीछे है बे। इधर काश मधुमक्खी का छत्ता दिख जाए। हनी बी या फिर नीलगाय ही दिख जाए। ओए होए बच गया मेरा इसमें पैर जाने से। चल छोड़ अब चाल चल ही रहा वापिस। मर गया। छोड़ भाई अब हम चल ही रहे उल्टा। कूद के जाएगा नीचे। देखिए कूदियो मेरी चप्पल के पास कूदियो। मैं नहीं कूद रहा ईशान। तू तो कूद ही जाएगा। मैं लटक के जाऊंगा। अरे यार इतना तो कूद जाऊंगा। नीम के पत्ते खाए जाते हैं ये देखो। भाई वो मछली है इसमें। तू देख रहे हो गहरा बहुत है ये। कैसे हो रहा है इसको पता है कुछ बोलते हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी बोलते क्या है। जिसमें नहलाते हैं ना इंग्लिश में कुछ मेरे को बोलते हैं। मैंने पढ़ा था पिट से ऐसे कुछ बोलते हैं। हौदी लिख देखो तो इसमें मछली है क्या। चले कूद जा। मैं तो यहीं से कूद जाऊंगा। तू कूद ही आराम ज्यादा। कूद गया तो चांद मुंडी पीछे कर ले तेरे मुंह पे घुटना मार के कूद जाऊंगा वरना। चप्पल नहीं है चप्पल दी। कूद गया तो क्या देगा। चल चल जा नंगे पैर कूद ना। वहां पे कूद जा यार कुछ नहीं लग रहा खाली पड़ा है पूरा। जा जल्दी जा। ले कूद गया ईशान। देखिए मेरी चप्पल के पास कोई तो नहीं है कंकड़ वगैरह है ना हटा ले। उधर कुछ है तो नहीं ना। भाई देखिए उधर ही कूदूंगा। इधर कूद जा। इधर मैं कूद सकता हूं। नहीं उधर कूदूंगा यार दूर कूदना है। उधर ईशान के पास। हाँ कुछ नहीं है ना है। अरे नहीं है उधर नहीं है। ये क्या है बे देख रहा है एकदम देख लिया मैंने कूदते ही एक सेकंड पहले। ये क्या पूरे काटे गए तो पेड़ है तेरे को दिख नहीं रही सब। ये तो यहाँ की बात कर रहा था मैं। यहाँ की बात जान ले रहा है तू। देखो मेरे कौन से काटे लगाए इधर बड़ी तेज। समझ गया मैं काटे चुबा के फोन हथिया आना चाहता है। ले जा ढोले। वे आजा किस साइड चले। अरे चलो सामने देख नहीं सकते ना क्या। चलो ना देखते हैं मछली है इसमें। हाँ जा काटा लेकर आइयो कल और केचुआ लाइयो। और क्या पता कल मैंने बंदर को रोटी खिलाई थी स्कूल के उसी बाउंड्री पे चल रहा था सड़क के साथ साथ में खेड़ा था। नहीं उसका एक हाथ टूटा हुआ था उस बंदर का दूसरे हाथ से ग्रिल पकड़ के मुंह से रोटी मेरे हाथ से ली। मैंने टिफिन से रोटी निकाल के दी उसको। उसी को ही करंट लगा था बंदर को। हाँ तभी तो उसका हाथ वैसा हो गया। हाँ उसका जलाई वाला है उसका हाथ कटा था। हाँ उसको करंट लगा था उस बंदर को। कहाँ पे। ये जो बड़ा वाला पोल है ना। अरे ये जिससे जिससे सबके घरों में लाइट आती है तो उधर की ना एक तार कटी हुई थी बारिश का टाइम था। तेरे को किसने बताया है। तेरे को किसने बताया। नहीं बताया गया रात में लाइट इसीलिए तो गई थी। बंदर को करंट लगा था तो क्या लग रहा है। बंदर हॉस्पिटल गया था। चल अभी वॉलीबॉल कराएगा बगीचे है ऐसे। रहन दो। हो गया हो गया। ओए टक से लगेगी पट्टे से बोल जाएंगे। ये ड्रामा बना रखा है। देख रहा पेड़ तो उगा रखे हैं वैसे बढ़िया बढ़िया सारे। हमने वो आम का पेड़ नहीं देखा ना। देख रहा इधर कुछ खुदते हुए आया है। नई नहर बना रहे हैं। वो तो गुड चिकन लीले बना रखा है। अच्छा ये छोटा वाला। अच्छा ये रोड बना दी है बे। ये रोड जाएगी यहाँ से पता है। ये फ्यूचर की रोड है गाइस। 10 साल बाद इधर आओगे। चट्टी कर सकते हैं इसमें। कर भी रखी है क्या ये सब्जी है। इधर कौन ला के सब्जी खाता है भाई।
हम पनामा के जंगल से होते हुए जा रहे हैं। डोंकी देखी तूने? बताया था ना उस दिन तेरे को, हाँ नारुतो देखा कर। तेंदुआ भी ऐसी जगह पे रहता है ना, तेंदुआ ऐसी बिल्डिंग वाली जगह पे रहता है रिहायशी इलाके में। तेंदुआ ने एक फ्लोर खरीद रखा है, अभी अब बना का है ना, कुछ लोग रहते हैं ये अलग से। ये हाँ इधर घर था, प्लेन हो रखा है ना तभी। क्या चीज़ है? चले यार इधर के कोई से जमीन खरीदते, घर बनवाते, फिर बाउंड्री लगवा के सारा छेक लेंगे, एक एक गज की जमीन खरीदते और कर लेंगे उसमें 200 गज। ये पार्क टाइप का बना, या फिर सीधा ग्रिल खरीद के लाते हैं लगा देते हैं। ये पार्क बना, ओए ओए क्या ही बढ़िया पेड़। देख इधर का मौसम बढ़िया लग रहा है अगर अपनी साइड को चलते तो। फालतू में लगाए थे पेड़ है, बच्चे नहीं उसे नशेड़ी है। देख इधर बोतले हो, हाँ है ना, टट्टी करने का डिब्बा है। ये तो मैंने यहाँ पे बंदर को रस्सी लगाई थी, झूला बनाया वो कितना बढ़िया, वहाँ से वो रस्सी लाते हैं यहाँ पे झूला। अच्छा एक वो पार्क में एक पेड़ ना इसमें ट्री हाउस बना सकते थे, उसके ऊपर से पांच ऐसे वो पंखुड़ियाँ निकली हुई है दीवार में। ये वाला यूं रख रहा था ना उतने में मेरा छिल गया था। एक्सरसाइज कर ले जाके, ये वाला हाथ तो आ गया था इस वाले को साले। देख रहे इधर गड्ढों में पत्थर भरे हैं, मतलब ये जगह टट्टी नहीं करता कोई, टट्टी की तो खुले में टट्टी कर लेंगे, डब्बे की जरूरत है। ये बेटा इसको खेत कहते हैं, अभी ये खेत पूरे बंद हो चुके हैं। वो तो रुक रुक के कितने पुशअप मार लेगा, पक्का चल। अबे उठना नहीं है, हाथ को ऐसे ही रखे रह देना, घुटना भी नहीं टिकाना है। अच्छा, पोजीशन तेरी पुशअप वाले ही रहेगी। हाँ अच्छा, नहीं तो बेशक टाइम पूरा ले ले। नहीं उठना नहीं है, बस पोजीशन तेरी वही रहनी है। बेशक तू हाथ उठा सकता है, एक पैर उठा सकता है, ये सब करके बस उधर से उठना नहीं है तेरे को। हाँ पोजीशन वही रखनी अपनी, 50-60 तक शायद से मारते। 50 तो यार मैं 100 ऐसे ही मार लेता एक बार में, बोलता कम से कम 200 तो मारता भी। ईशान तू कितनी मारेगा? ईशान तो पता ही नहीं बात क्या हो रही है, इंसान मारने की बात कर रहा है। पुशअप मारता है? मैंने पहले मारते ऐसे रुक रुक के मारे थे 400 के करीब। रुक रुक वो तो पूरा दिन में ना, पूरा दिन में नहीं बे, एक घंटे में वही ना। मैंने मारे थे 16-17 मिनट में मारे थे 500 पुशअप। पहले ना 30 तक के लग जाते थे मेरे तो, 30-30 करके मारता था। दिख रहा है ये पेड़ मारे एक मिनट रुके फिर 30 मारा। आगे इसको लगा इधर ना, चले रोड आ गई, हाईवे चले। टाइम तो अभी बहुत है, बस बैटरी नहीं है क्या मेरे पे? नहीं अब बाहर निकलते ही रखते हैं, चल रहे ना।